स्पेशल गिरदवारी कराई जाए। अगर सरकार इतना गिरदवारी और मुआवजा की घोषणा नहीं करती इतना यहीं रहेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बोला है ये किसानों के लिए है, हितकारी है, जो तीन अध्यादेश थे कोई लाभदायक नहीं। दुष्यंत ने भी कहा हम MSP रेट पर कपास खरीद रहे हैं, बाजरा खरीद रहे हैं, आड़ा मंडी में है जो ये बेरा बट जगह होती है एक मिनट में के खरीद रहे हैं, उसके सीधा दिखा दे चल सेठ बैठे हैं कपास का के पास सरकारी था 55-56 रुपये है, 41-42 बिक्री है, बाजरा है 11-12 बिक्रिया है सरकारी रेट, उनका दाना खरीदूंगा क्या फीम का दाना खरीदेगा, बाजरा खरीद ले कपास खरीद ले लसम दे ले दाना खरीद ले उन्हें बैठे मारे जब आता पैरे होती स्वाद लेने अरे बुलाओ मंडिया में अरे बना फूट के मारे जमा तक कदम फूट के बीजेपी के खिलाफ में दिए थे क्या ना जमा दे दी उसे की गोद में बैठी यमुना पार करूंगा वो कर दी यमुना पार। आगे क्या फैसला आपका? आगे फैसला इतना विशेष गुरदौरी नहीं कराते, किसानों को उचित मुआवजा नहीं देंगे, और ये भी ये जो MST है ये कपास नहीं खरीदते नहीं इतना अड़े बैठांगे भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है भाई ओसर कुंडू फरीदपुर का पूर्व सरपंच हूं भाई। ठीक है सर, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की मांग कर रहे तीन अध्यादेश के द्वारा जो काले कानून लेके आई है।